वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आजकल मिशन पे निकली हूँ कि मैं सारे DIYs, फेस मास्क, स्क्रब एक्सेट्रा सब नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी ताकि आपको मिले इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो और आप जान पाए कि घर बैठे बैठे आप कितना फायदा ले सकते हैं इन सारी चीजों से। तो आज का इंग्रेडिएंट है मुलेठी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, प्लीज शेयर करिएगा इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल जिसमें हमें लेना है 2 स्पून्स ऑफ मुलेठी पाउडर। बहुत इजीली अवेलेबल है ये लोकल स्टोर्स में और अगर आपको नहीं मिलता है आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बायो ऑर्गेनिक का मुलेठी पाउडर। टू स्पून मुलेठी पाउडर ले लेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 स्पून ऑफ एलोवेरा जेल। किसी भी ब्रांड का आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं अगर वो प्योर है तो, और या तो फिर आप नेचुरल एलोवेरा जेल लीव से निकाल के ले सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 विटामिन ई के कैप्सूल। ये बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिसिन शॉप में मिल जाती है। अगर आपकी बहुत ही एक्सट्रीम ड्राइनेस वाली स्किन है तो आप 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं, मैं 1 ले रही हूँ यहाँ पे। और इसमें हम डालेंगे टोमेटो जूस, थोड़ा सा टोमेटो जूस 1/2 स्पून के बराबर लेना है आपको। लेमन भी आप इसमें डाल सकते हैं बट हर किसी को लेमन सूट नहीं करता है तो टोमेटो जूस बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गुलाब जल का यानी कि रोज वाटर। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल जेल लाइक कंसिस्टेंसी ये हो गई है, बहुत आराम से ये आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगी। तो बन गया हमारा मुलेठी फेस पैक। तो चलिए अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं किस तरह से इसे यूज़ करना है हमें। तो सबसे पहले अपने फेस पे रोज वाटर स्प्रे करिए। ये एक्चुअली फ्रिज में रखा था तो बहुत ही ज़्यादा चिल लग रहा है मुझे इस वक्त। आप कॉटन बॉल में भी डिप करके रोज़ वाटर लगा सकते हैं। बेसिकली आपको अपने फेस को क्लेंस करना है रोज़ वाटर से। सबसे पहले वेट वाइप से अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लें। आप यहाँ पे कच्चे दूध का यूज़ भी कर सकते हैं क्लेंसिंग के लिए। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना बनाया हुआ मुलेठी फेस पैक। थोड़ा सा लेना है आपको अपने फिंगर टिप्स पे और धीरे धीरे से मसाज करना है अपने फेस पे। सो एलोवेरा जेल इसमें मिलाने से इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी स्मूथ और जेल लाइक हो गई है तो इसे अप्लाई करना काफ़ी इजी हो गया है। हल्के हाथों से आपको इसे मसाज करना है अपने नोज़ एरिया के पास, चिन पे, अपने चीक्स पे, फोरहेड्स पे, और हल्का हल्का सा प्रेशर देना है। बहुत रफली नहीं हैंडल करना है अपने फेस को। तो दोस्तों मुलेठी यानी कि लिक्रिस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कफ एंड कोल्ड में तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी तरह के रेडनेस हो, पफिनेस हो, उसे क्योर करता है। रैशेज या रेडनेस जैसे हो जाते हैं हमारे फेस पे तो वो भी क्लियर करता है। पिगमेंटेशन, अंडर आई सर्कल्स या डार्क पैचेस, उन्हें भी क्योर करता है। ऑल इन वन बहुत ही अच्छा, बहुत ही काम का, बहुत सारे ब्यूटी बेनिफिट्स हैं मुलेठी के। अगर आपने ट्राई नहीं किया है अभी तक इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। मुलेठी होता है एंटीसेप्टिक और इसमें होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो किसी भी तरह के रेडनेस, पिंपल्स, एक्ने या किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर रखता है आपकी स्किन से। दोस्तों पैच टेस्ट हमेशा मैंडेटरी है, पैच टेस्ट को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे सूट करती है वो आपको भी करे, तो हमेशा अपने हैंड्स पे या ईयर्स के पास पैच टेस्ट ज़रूर करें किसी भी नई चीज़ को यूज़ करने से पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कुछ फेशियल टेक्निक्स अप्लाई कर रही हूँ, कुछ मसाज टेक्निक्स अप्लाई कर रही हूँ जो बिल्कुल पूरी तरह से बेस है मेरे एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज पे। अगर आपको सही तरीका, प्रोफेशनल तरीका आता है तो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं या अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फेशियल हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करना चाहिए। अपनी चीक्स का आप अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करें, नेक एरिया को अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करें। जिन लोगों को डबल चिन की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करने से। और अपने सारे प्रेशर पॉइंट्स को अप्लाई करें, बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करें, बहुत ज़्यादा रफली नहीं करना है। अगर आपको लगे कि ये पैक ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा रोज़ वाटर अप्लाई करके और आपको इसे फिर से मसाज करना है।
इन टोटल आपको 5 से 7 मिनट्स इसे मसाज करना है अच्छे से हल्के हाथों से। तो मेरा मसाज हो गया है दोस्तों, अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट आप इसे छोड़ सकते हैं ड्राई होने के लिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करके पैड ड्राई कर लीजिए। इस फेस पैक को आप यूज़ कर सकते हैं लगातार 10 दिनों के लिए, बट मेक श्योर आप पैच टेस्ट पहले कर लें। अगर आपको ये प्रोडक्ट सूट कर रहा है, मुलेठी सूट कर रहा है, तभी आपको ये करना है। दिस गोज़ विदाउट सेइंग, स्किन हो जाएगी क्लियर एंड ग्लोइंग एंड किसी भी तरह के मार्क्स हैं तो वो भी क्लियर आउट हो जाएंगे। एंड में आप टोनर लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। टोनर नहीं है आपके पास या नहीं यूज़ करते हैं तो आप रोज़ वाटर ही स्प्रे कर सकते हैं। और एंड में अपने फेस को दें ये फिंगर टैपिंग मसाज। आप मसाज के टाइम भी इसे दे सकते हैं और बाद में भी, बहुत ही अच्छा सूदनिंग फील होगा आपको। सो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है जरूर पसंद आई होगी। इस मुलेठी फेस पैक को जरूर ट्राई करिएगा 10 दिन के लिए कंटिन्यूअसली। उसके बाद आप इसे वीक में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। अपनी स्किन में डिफरेंस आप खुद मेक आउट कर पाएंगे और मुझे आगे कॉमेंट करेंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस। तो चलिए आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव नाइस डे।